नाम फरीन बेगम है, मेरे हस्बैंड का नाम सैयद सादिक है, कारडेरे में रहते हैं। मेरी शादी हो गई 20 साल हो गया, उनका अफेयर 15 ईयर से चल रहा। गुंडे भवानी है इनका नाम, का हस्बैंड का नाम राजू भैया है, कारडेरे में रहते हैं। उनके लिए मेरे को 3 बार छोड़े, उन्होंने 3 बार मारे, ये 4 बार उन्होंने मेरे को मार रहे हैं, जुलम कर रहे, ताता पान तोड़ रहे, मार रहे हैं, जुलम बहुत कर रहे, पीरे खा रहे, आ रहे तमाशा कर रहे। वो पेट मशीरा बाद पे रंगे हाथ पकड़े गए, वीडियोस फोटोज है इसके। और क्या बोलते हैं, मेरे हस्बैंड ये है, देखिए सैयद सादिक है इनका नाम, कायडरे में रहते हैं नो, इनका अफेयर चल रहा भवानी से, भवानी की फोटो दो। सैदाबाद पुलिस स्टेशन में कंप्लेन है उनकी, घांसी बाजार पुलिस स्टेशन में कंप्लेन है, वुमेन पुलिस स्टेशन पे भरोसा पे नाम पली पे काउंसलिंग चली, वहाँ पर उनको दिए, वहाँ को मैडम बुलाए, एक्शन लिए, मैडम बोले ये गलत है, नहीं करना, इतने ईयर से तुम अफेयर कर रही। तो उन्होंने क्या बोल रहे हैं, हमारे हस्बैंड पेट मशीराबाद पे जो कंप्लेन हुई थी वहाँ जाके दोनों क्या बोले, रंगे हाथ से पकड़े के क्या बोले, हमला मुसलमान बनना चाह रहे हैं, एक दूसरे को शादी कर लेना चाह रहे हैं, हमला बहुत चाहते हैं एक दूसरे को बोल के उन लोगों कंप्लेन करे, तो पुलिस वाले छोड़ दिए, लोगों को छोड़ दिए। तो फिर मैं सैदाबाद पुलिस स्टेशन में कंप्लेन करी, फिर घांसी बाजार पे करी, फिर वुमेन पुलिस स्टेशन पे गई। ये भवानी है, देखिए ये भवानी, गुंडे भवानी है, इनको 2 बच्चे हैं, इनके हस्बैंड का नाम राजू है, उनका बच्चा भी मेरे को धमकियां दे रहा बहुत, ये वो बातें बोल रहा, उनका बच्चा भी मेरे को मालूम है, अपने आदमी को ऐसा कर वो ऐसा कर ये वो बातें कर रहा, उनका बच्चा भी ये कनिकन सुम्मा है, एंकर कनिकन सुम्मा है, इनकी नौकरानी है, वो बाजू बैठे हुए जो है भवानी है, इनके थ्रू उन्हों बोल रही, इनके थ्रू उन्हों का काम काम नौकरानी है उनके काम करते, इनके थ्रू उन्हों बोल रही कि मैं गाड़ी दिलाती हूँ, ये करती हूँ, वो करती हूँ, मेरे हस्बैंड को प्रेशर कर रहे, पैसों का प्रेशर डाल रही, परेशान कर रहे पैसों का, बोल रहे हैं बस मैं एक बार, बोल रहे हैं बस मैं एक बार, 2 बार, 3 बार, बहुत बार हंसा चांस दी उनको, मेरी शादी होकर 20 साल हुआ, कितने बार देखी, बहुत बहुत हर हंसे ज्यादा मैं उनको भरोसा करी। पहली बार फर्स्ट बार उन्होंने SVS लग्जरी होम में उन्होंने होटल में पकड़े गए थे, पेट मशीराबाद में, वहां पे रख देख गए होटल में, उनको देखे भी, पकड़े भी, कंप्लेन भी करे उनकी, तो ना बोले सैदाबाद पुलिस स्टेशन पे जाओ बोले, फिर घासी बाजार पे पुलिस स्टेशन पे गए, फिर वुमेन पुलिस स्टेशन पे गए, भरोसा पे गए, नाम पली, वहां मैडम बोला कि काउंसलिंग करे, सब करे, अगर दोबारा अगर करे, भवानी भी लिखे, मैं इनके नाम पे नहीं आऊंगी, साधक के साधक भी लिखे, इनके नाम पे नहीं आते, एक दूसरे से हमला नहीं बात करते, एक दूसरे से फिजिकल भी नहीं होते, कुछ भी नहीं होते बोले। हालांकि 30 अक्टूबर को लोग पकड़े गए, वीडियो फोटोज है लोगों के पूरे सब, 30 अक्टूबर पे लोग पकड़े गए थे, ये SVS लग्जरी होम के फोटो से वीडियो से रंगे हाथ पकड़े गए थे। मेरे शौहर का नाम सैयद सादिक है, उनका नाम गुंडे भवानी है, इन लोगों का अफेयर चल रहा 15 ईयर से, इन लोग पकड़े गए बाद भी लोग काउंसलिंग करे, केस करे, लोगों के वीडियोस भी है, फोटोज भी है, वो कार्ड बताओ उसका, इन्होंने नहीं है, मेरे को बहुत चांस दी, इनको बहुत हंसीदार चांस दी, मैं मैडम बोले आज, मैडम बोले अगर दोबारा, अब पहली बार चांस दे, आखिरी बार बोल रही, अगर दोबारा नेक्स्ट बार करे लोग तो मीडिया मीडिया भी जो केस भी करो लोगों पे। आज ये होटल में पकड़े गए थे आज लोग, 1 बजे से चेकआउट कर रहे, मैं उनके पीछे थी, मैं उनको फोन कर रही, नहीं उठा रहे, बात नहीं कर रहे मेरे से, फोन आ गई तो रजिस्टर का नंबर निकाल रहा, रजिस्टर का बात कर रहे, नहीं उठा रहे, हमला जाके पकड़े तक उन्होंने भाग गए, आज भी उन्होंने वहां थे, हालांकि टैप कराए थे भरोसा पे के काउंसलिंग दिए थे कि हमला फिजिकल नहीं होते, एक दूसरे से बात नहीं करते, हमला एक दूसरे को छोड़ दे, एक दूसरे को हमला कुछ करे तो एक्शन लियो, लापत बोले, उन्होंने पेपर लिखे हुए, पेपर भी है मेरे पास। आपसे गुजारिश कर रही हूँ कि मैं ऐसे हरकत नको करूँ, बहुत मजबूरी में आके बैठ के मैं बयान दे रही हूँ, हम तीनों का सोचो, मेरे 2 भाइयों का और मेरा सोचो, डैडी एक औलौती है बच्ची बोल के अभी तक चाहते ना, डैडी मेरा सोचो, बस आपकी वजह से मम्मी सो रहे रात में, बीपी गोलियां खा ले रहे और बहुत मेंटल टॉर्चर दे रहे उनको, हम लोग की ईद ऐसी गुजर रहे, बकरीद की ईद भी ऐसी गुजर रही, रमजान की ईद के टाइम पे भी वैसे करे आप, हाँ कुछ भी नहीं करते आप डैडी, आप डैडी हम लोगों के बारे में सोचो, अब हम लोगों का फ्यूचर, हम लोगों के करियर कैसा आगे बढ़ना, डैडी बोलो आप ऐसे हरकत कर, हाँ डैडी आपको कितना माफ करना बोलो, 1 बार 2 बार हमला कितना माफ करना आपको बोलो, 2 साल पहले भी रमजान में आके शाहीन के घर में पकड़े थे, हाँ फिर आप बोल रहे ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, खेले अब बोल रहे आदमी को लाया था खेलने वहीं, हाँ ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है बोल रहे, मगर हमला खुद आंखों से देखा ना फॉर्म है, मैं कंप्लेन करी सो गुंडे भवानी और सादे सैयद सादे के लिए कंप्लेन करी थी, ये वहाँ का है,
मेरे को वहां से सीधा फिर भरोसे पे भेज दिए, वहां पे उन्होंने टैप करा के दिए, पेपर आ लगा टैप करा के दिए, हम एक दूसरे को नहीं रहते करते ना बोल के, हमें ये पूरा टैपिंग करके दिए, ये साधक टैप कराए सो है पेपर के, मैं उससे नहीं मिलता हूँ, नहीं बात करता हूँ उनसे, मैं फिजिकल नहीं होता, बोलता हूँ आज होटल में उन्होंने काची घोड़ा ओयो होटल लग्जरी ओयो होटल में उन्होंने थे महाराजा होटल में थे वो है देखिए उला भवानी भवानी सैयद सादिक नाम भी है, सिग्नेचर भी है, लोग चेकआउट हुए सब भी है, होटल बुक करे सब भी पूरा है, आज का है, लोग आज हम लोग गए थे उला दोनों भाग गए महाराजा ओयो होटल में काची घोड़े में, मैं जब गई उनको पकड़ने के लिए, हालांकि फिर उन्हें भवानी मेरे को वहां से रिलोकेशन डालती सेंड करती, बोलती मेरे को मैं यहाँ हूँ तो छोड़ दे तेरे मर्द को, मैं शादी कर लेती हूँ, मुसलमान मत जाती हूँ, बोल के मेरे को धमकियां दे रही, बोल रही मैं ये बात नहीं बोली थी, बोल रही हूँ, और ये मैं होटल वालों से ली सो हूँ, आधार कार्ड उसका भवानी का, होटल में थे सो है, ये होटल में भवानी का है, सादिक का है।